बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम कल के प्रोग्राम का तसलसल है। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हैं नईम कुर्बान, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बेसिकली आज जो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो आप जानते हैं कि ईरान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीब व गरीब और मज़ायका खेज किस्म की जो हैं स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए पंजशीर के हवाले से पाकिस्तान पे कुछ जो है इल्ज़ामात इनडायरेक्ट लगाए। वो उन्होंने ये कहा कि उन्हें तशवीश है कि कोई फॉरेन हैंड वहाँ पे था। उसके बाद हमने देखा कि तहरान टाइम्स जो है उसने बड़ी अजीब किस्म की रिपोर्टिंग की और उसमें ख़ास तौर पर वो सेंटकॉम जिसे इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरानियन रजीम ने करार दिया था उसके हवाले से फॉक्स न्यूज़ को कोट किया कि 40 के करीब या 24 के करीब पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स के अंदर पाकिस्तानी कमांडोज गए थे जिन्होंने जो है वो पंजशीर जो है उसे फतह करने में मदद दी। उसके अलावा उनके मुताबिक कुछ ग्राउंड और ट्रुप्स भी थे और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। जबकि ये खबर सेंटकॉम के हवाले से फॉक्स ने कभी भी नहीं दी थी, लेकिन फॉक्स के हवाले से ये दिया गया। इसी तरीके से जो है ईरान के अंदर पता नहीं क्यों एक अजीब किस्म की तशवीश का इजहार कर रहा है और ख़ास तौर पे उस प्रोपेगेंडे को उठा रहा है जो इंडिया की तरफ से आ रहा है और समझने की जो लोगों को इस वक्त कन्फ्यूज़ कर रही है मेरे जैसों को, जो मैं आज सवाल भी अपने जो पैनलिस्ट जो हैं उनसे पूछूंगा कि जिस वक्त पंजशीर पे तालिबान ने कब्ज़ा किया उस वक्त तो जब हमला किया उस वक्त तो ईरान की तरफ से किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं सामने आई, लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया तो उसे फॉरेन हैंड भी नज़र आना शुरू हो गया। हालांकि उसे कभी फॉरेन हैंड वो नज़र नहीं आया था जब अशरफ गनी गवर्नमेंट को फरवरी के अंदर इन्हीं ईरानियन ने कहा था कि दाइश के खिलाफ अगर उनकी गवर्नमेंट अफगान चाहती है तो वो फातिमियन को या जैनबियन को जो ईरानियन ट्रेन मलिशिया उसे एक्टिवेट करके दाइश के खिलाफ लड़ा सकते हैं। तो उस वक्त तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा था और उस वक्त भी ईरानियंस को कुछ ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी जब मासूम पाकिस्तानियों को वो ट्रेन करके अपने मफाद के लिए सीरिया यमन और बाकी महाजों पे यूज़ कर रहे थे। उस वक्त उन्हें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आज वो सॉवरेनिटी की बहुत बात करें। दूसरी तरफ आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि चाइना ने बड़ा वाज़ इशारा दिया कि वो तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी बड़ी इमदाद का भी वादा किया जिसमें वैक्सीन, ग्रेन और सर्दियों से निपटने के लिए जो बाकी ज़रूरी अशिया होती हैं वो इमदाद के तौर पे अफगानिस्तान को जो है देने का ऐलान किया। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा यार मंसूर, अफगानिस्तान शुरू शुरू में जब ये अमेरिका की वापसी शुरू हुई है तो ईरान की तरफ से बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे और फिर हमने भी देखा कि तालिबान भी जो मुहर्रम की मजालिस जो हैं उसमें शरीक भी हुए और उनको प्रोटेक्शन भी दी। ये एकदम ईरान को क्या ऐसा हुआ है कि वो एकदम फ्रेंडली उसकी टोन से एक हॉस्टाइल टोन जो है वो तब्दील होनी शुरू हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अच्छा बिलाल साहब, मुझे लगता है कि ईरान का जो है वो दो तरह का डायलेमा का शिकार है इस टाइम। पहले तो वो ये समझते हैं कि जितने भी नॉन पश्तून हैं अफगानिस्तान में, खास तौर पर जो शायद उनके सेक्ट की तरफ इंक्लाइंड है, वो उनकी प्रॉक्सी हैं और जिस तरह उनके ख्याल में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है पश्तून एलिमेंट्स पे, तो उसी तरह वो चाहते हैं कि ताजिक और जो दूसरे उज़्बेक्स हैं या उसमें हज़ारा भी आप इंक्लूड कर लें तो उसमें उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। दूसरा मेरा ज्यादा ख्याल है कि जब से ये तालिबान का टेक ओवर हुआ है तो उस टाइम ईरान जो है वो इस तमाम मामले में तकरीबन इररेलीवेंट होकर रह गया है और मेरा ख्याल है कि वो उस तरीके से उनका ना उनको किसी बात में शामिल किया जा रहा है ना उस तरीके से उनकी कोई बात सुनी जा रही है। तो उन्होंने सोचा है कि शायद हमें भी रेलीवेंट रहना चाहिए और हमें भी कोई ऐसी मैं आपको इधर कट करूंगा। तालिबान की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई है, बल्कि मगरबी मीडिया समेत इंडियन मीडिया इस बात पर बात कर रहा था कि तालिबान जो पहले अंडर इन्फ्लुएंस थे सऊदीज़ के और यूएई के, उन्होंने अपने आप पीछा छुड़वा लिया है, दे हैव लर्न देयर लेसन, इस वजह से वो ईरान और रीजनल कंट्रीज की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है कंसनट्रेट कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी को लेकर उस साइड पर चल रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि जो फौजी भाग के रानिया ANA के वो ईरान गए थे, ईरानियंस ने ना सिर्फ उनके वेपन्स वापस तालिबान को किए, एक अच्छा खासा दरमियान में माहौल जा रहा था, लेकिन पंजशीर के हवाले से हमने देखा कि एकदम हॉस्टाइल किस्म की बातें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। क्या आप समझते हो कि ईरान अपना लेवरेज बढ़ाने के लिए ये हरकतें कर रहा है या
इसके पीछे कोई और वजह है, कोई इंडिया के साथ जो इनका पुराना अलाई है कोई उनकी ऐसी हो गई है जो इंडियन प्रोपेगेंडा को अब ईरानियन मीडिया और सोशल मीडिया आगे करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, ये दोनों एलिमेंट्स हैं और मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो अब शायद थोड़ा सा खत्ते में रेलिवेंट रहने के लिए शायद ये बात कर रहे हैं। दूसरा, वो मैं तो तालिबान के परस्पेक्टिव से बात नहीं, मैं तो ईरान के परस्पेक्टिव से बात कर रहा था कि शायद वो ये समझते हैं कि पश्तून एलिमेंट्स जो हैं वो शायद ये फील कर रहे हैं कि शायद ईरान ने उस तरह रोल प्ले, सॉरी, नॉन पश्तून एलिमेंट ये फील कर रहे हैं कि ईरान ने शायद उस तरीके से रोल प्ले नहीं किया, खासतौर जो पंजशीर में है। क्योंकि एक तस्वुर तो यही है कि जितना एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जिनमें नॉन पश्तून ज़ाहिर है अक्सरियत में, अजबिक साजिक तो हज़ारा, वो पंजशीर पंजशीर में इकट्ठे हो गए हैं। मेरा ज्यादा ख्याल है, एक तो ये एलिमेंट है, दूसरा यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि वो इंडिया के साथ उनके रहे हैं माजी में क्लोज टाइज, और आप कुलभूषण यादव से लेकर आप उनकी रॉ की जितना भी नेटवर्क था चाबहार में, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे, आपको मालूम है कि माजी में ज्यादातर जो रॉ एजेंट्स हैं वहीं से आया करते थे और उसी बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार भी हुए हैं। और वैसे ईरान की तकरीबन मेरा ख्याल है 900 किलोमीटर लंबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए एक तरह से उनकी परेशानी तो जरूर बनती है कि वो उनका भी जाहिर है जिस तरह खित्ते के तमाम ममालिक चाहते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो, इसी तरह वो भी चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म के वो इल्जामात लगा रहे हैं वो बड़े मजायका खेज है। जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने सेंटकॉम का हवाला दिया और आपने खुद बता दिया कि फॉक्स न्यूज या सेंटकॉम ने इस तरह की खबर नहीं दी, ना ही सेंटकॉम इस तरह के काम करता है, मतलब उनके पास दूसरे बहुत से चैनल हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। सेंटकॉम इस तरह की, और मेरा ख्याल है कि वो अनवेरीफाइड न्यूज इस किस्म की वो इस स्टेज पे कभी भी नहीं देंगे जिसके वो कोई प्रूफ ना दे सकें। सेंटकॉम अभी तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस तरह की कोई चीज नहीं की। और दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें, क्योंकि तेहरान टाइम्स जो है वो स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ही कहलाता है, और बहुत हार्ड ये बिलीव करना है कि ईरान की गवर्नमेंट के बगैर उन्होंने, गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर उन्होंने इस किस्म की कोई खबर दे दी हो, तो उसका बेहतर तरीका ये था कि पाकिस्तान के साथ वो डिप्लोमेटिक चैनल को उठाया जाता, क्योंकि ये बहुत अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है जो यूज की गई है। उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा मुजयका खेज दावा लगता है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गैर मुल्की यानी पाकिस्तान को वो इस तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। और ये कह कौन रहे कि ईरान जैसा मुल्क है जिसका आप पूरी हिस्ट्री है कि वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान हर जगह, आप कुर्द के मामले में देख लें, हर जगह ईरान का आपको हैंड नजर आता है। और इसी तरह आप ये देख लें फातिमुन ब्रिगेड को कौन स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली सपोर्ट करता रहा अफगानिस्तान में, और जो फातिमुन ब्रिगेड के जो कमांडर थे अली रजा, उनको जनरल कासिम सुलेमानी ने ही शाम में लड़ने भेजा था, और वहां पे बाकायदा जो पाकिस्तान लेबनान और अफगानिस्तान से जो मिलिटेंट्स जाते थे उनको, उनका कमांडर अली रजा को उन्होंने मुंतखब कर दिया था। और फिर जो एक बाकायदा ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था दाइश के खिलाफ जिसमें ये अली रजा मारे गए थे, तो बाकायदा उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था ईरान में। तो इससे बड़ी आप देख लें कि गैर मुल्की मुदाखलत की क्या क्या सबूत हो सकता है। फिर इसी तरह आपको पता है लेबनान से लेकर शाम में, फिर इसी तरह हिजबुल्ला को सपोर्ट करना, ये सारे गैर मुल्की मेरे ख्याल में तो मुदाखलत के टर्म में आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनका गैर, ना सिर्फ गैर रिवायती बल्कि गैर सिफारती एक उनका जो है स्टेटमेंट, और बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो बड़ी मेच्योर लीडरशिप है, मतलब वो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई इन मेच्योर लीडरशिप में आप मतलब उसको ले लें कि वो। यहाँ पे मैं चलूँगा नईम की तरफ। नईम, एक बात ये है कि अगर हम रोल देखें ईरान का, उस पर कई चीज़ों के ऊपर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमास को जो वाहिद इस वक्त रेजिस्टेंस रह गई है इजरायली ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, उसे सपोर्ट करने वालों के अंदर ईरान बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा कि टूवर्ड्स उमा ऐसे जो ही है है एक कंट्रीब्यूशन है, हमें उसे मानना पड़ेगा। इसी तरह बिल्कुल हिजबुल्ला जो है इसराइल के लिए इस वक्त जो खौफ का जो सबसे बड़ा सबब है वो सीरिया नहीं है, वो हिजबुल्ला है। लेकिन जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ की लीडरशिप जो है वो इत्तेहाद की तरफ बात करिए, तो दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान के अंदर उनके कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, तो एक बड़ा तजाद सा नज़र आ रहा है। ये आज एक अफगान टेलीविजन ने पंजशीर के अंदर जो है इंटरव्यूज़ किए हैं और उन्होंने पूछा कोई जहाज़ देखे हैं, तो पंजशीरी आवाम तो ये कहती है कि हमने तो कोई जहाज़ नहीं देखे, हेलीकॉप्टर ज़रूर थे लेकिन वो पंजशीर के अंदर से ही उड़ रहे थे, लेकिन किसी किस्म का उन्होंने जहाज़ों की नहीं बॉम्बिंग देखी। तो अब तो वो सारे का सारा निकल गया है। तो आप क्या समझते गया। हो, मैं वही बात जो मैंने मंसूर से पूछी वो आपसे दोबारा पूछूंगा, क्या ये पंजशीरी आवाम के ऊपर से जो आज हमने कुछ ट्वीट्स भी देखी कि ईरान के ख़िलाफ़ आई हुई थी पंजशीर के अंदर से ताजिक्स की तरफ से, ये जो एक ऑफेंसिव नज़र आ रहा है मीडिया के अंदर ईरान के, ये अपने लेवरेज को बरकरार रखने के लिए है क्या? इसके पीछे ये बात है क्योंकि अगर आप देखो तो चाइनीज़ 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अगर तो
पाकिस्तान के खिलाफ चाइना ईरान जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये या तो फिर वो इंडिया का हाथ पकड़ेगा और फिर अमेरिका के साथ भी हाथ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना अगर वो चाइना मजबूती चाहता है तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान वगैरह ये जो एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके अंदर आना उसे पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो, क्या वजूहात देख रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं देख रहा हूँ कि ईरान इस वक्त दो कश्तियों का सवार बनना चाह रहा है। एक तरफ वो अमेरिका और भारतीय इतिहाद के अंदर रहते हुए अमेरिका के साथ मतलब गैर गैर दानिस्तन, क्योंकि भारत के साथ वो शामिल होके जो रूट और जो इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें जो भारत के साथ रह के वो कर सकता है, वो पाकिस्तान के साथ रह के उसको अपॉर्चुनिटीज वो नहीं मिलनी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेड रूट की और वो सारी चीज़ें। दूसरा, वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो हज़ारा कम्युनिटी है और फातिमी यून है उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए वो ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ें वो करना चाहेगा कि असर्ट करना चाहेगा कि मेरे लोग, मेरे इंटरेस्ट के लोग। कोई भी मुल्क रीजन में हम ताजिक देखें, उज़्बेक देखें, तुर्कमेन देखें या पाकिस्तान चाइना को देख लें, हर किसी का एक 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 ना एक इंटरेस्ट होगा वहां पे। इससे पहले भारत का हमने देखा, भारत अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने जो अलायंस उसने बनाया हुआ था गनी और हामिद करजई रिजीम के साथ, अमरुल्ला साले के ऊपर उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी और इस किस्म के लोग उन्होंने रखे हुए थे। अब इसी तरह तेहरान एक बॉर्डर कंट्री है, वो यकीनन चाहेगा कि सुन्नी मेजोरिटी स्टेट एक बनने जा रही है वहाँ, उसमें उनका किसी न किसी तरीके से वहाँ पे उनका इंटरेस्ट हो जो उनके इंटरेस्ट को वहाँ पे रखे। फातिमीयून को वो सिक्योर करना चाहेंगे, ज़ैनबीयून को वो सिक्योर करना चाहेंगे, एक वो एक 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 रास्ता वो रखना चाहेंगे, एक अपनी कॉरिडोर रखना चाहेंगे ताकि अगर मिडल ईस्ट की तरफ से उनको किसी किस्म की परेशानी होती है तो उनके पास एक कॉरिडोर हो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक बहुत ही हसास मुल्क है, हम देखते हैं कि किस तरीके से जब भी कुछ ज़रा सा इशू आता है तो हम ईरान के मामले पे या सुन्नी शिया के मामले पे बहुत हसास तरीके से उसको हैंडल करते हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान का भी यही सिचुएशन है, सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है और तेहरान उसको अपने मकसद के लिए अगर एक्सप्लॉयट करना चाह रहा है तो बड़ी एहतियात के साथ उसको देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जिस तरह सीरिया, इराक और यमन तक, जहाँ हूसी बागियों को सीरियन समेत जो है वो सारे इनको सपोर्ट कौन करता था? ईरान करता था। और ये किस लिए करता था? ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज बना के रखी हुई थी और मिडल ईस्ट में सुन्नी और सऊदीज के खिलाफ वो कर रहा था। अब इसी तरीके से उस ईरान की दूसरी साइड पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे भी वो हमेशा चाहेगा कि किसी तरीके से अपनी हज़ारा कम्युनिटी को वो इंक्लाइंड रखे, अपनी तरफ रखे और वहाँ पे उनके इंटरेस्ट के लोग जरूर हों। मेरा ख्याल है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट किसी तरीके से वो, और देखा जाए तो अभी ये नई गवर्नमेंट है, इसकी अभी तक हमें वो टिल्ट सही तरह अभी वाजे नहीं है कि किस तरफ होगा मुस्तकबिल में जाके। लेकिन ये जो पाकिस्तान में क्लैरिटी नहीं है, एक चीज क्लैरिटी नजर आती है, शायद वो चाबहार में इन्वेस्टमेंट चाहता है, शायद वो चाहते हैं कि इंडिया से चाबहार में इन्वेस्टमेंट आए, एक सेंट्रल एशिया का ट्रेड लिंक जो है इंडिया के लिए वो गवादर की बजाय ईरान के थ्रू किया जाए, तो इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। मंसूर, आपकी तरफ अब मैं आऊँगा कि अभी ग्वादर और चाबहार की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 2019 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने 2/3 स्लैश किया था बजट चाबहार का, क्योंकि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, इतनी विजडम तो उनमें भी होगी कि आगे भी कोई ऐसी वजह हुई तो अमेरिका की वजह से दोबारा पेट्रोल लेना और बाकी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देगा इंडिया। तो ईरान के लिए बेस्ट चॉइस तो फिर भी आ रही है, वो जो इतनी बड़ी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। और अभी नईम बात कर रहे थे, जो कुछ हम मिडल ईस्ट के अंदर देखते हैं तो उसमें भी एक चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि एक तरफ बेसिकली ये भी जंग उसी का तसलसल है जो दो बड़ी ताकतों के दरमियान चल रही है, जिसमें एक साइड पे रशिया आ जाता है और आपका चाइना आ जाता है और दूसरी तरफ अमेरिकन आ जाते हैं।
तो सऊदीज जो हैं वो क्योंकि उस कैंप के थे अमेरिकन्स के, आपको याद है कि 12-20 किलो की तलवार भी ट्रंप साहब को पेश की गई थी। तो इसी तरीके से ईरान जो है क्योंकि रशिया के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी सिक्योरिटी फ़िलहाल जो है इंटरनेशनली उसे डिप्लोमेटिकली जो कवर मिलता है वो ईरान और चाइना और रशिया उसके लिए ज़्यादा है। तो जो इस वक्त सिचुएशन पैदा हो रही है अफगानिस्तान की भी, कल हम बात कर रहे थे कि वो बेसिकली जो जंग है इस वक्त जितने मसाइल आ रहे हैं वो BRI वर्सेस B3W है। तो BRI की क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंस है इस रीजन के हवाले से, और ज़रा ये आप नाज़रीन को बताइएगा कि BRI और खसूसन CPAC जो है वो इस वक्त दुश्मन के निशाने पे क्यों है? बिलाल साहब, ये सारी गेम जाहिर है मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस टाइम खेली जा रही है। हालांकि वैसे तो डिक्लेयर्ड तौर पे तो यूनिपोलर वर्ल्ड ही है जिसमें अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन इस टाइम रूस और चाइना जो है अब बड़ी पावर्स बन के उभरे हैं। तो एक तरह से डिक्लेयर्ड आप ना भी कहें तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ही है। उसके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि एक पावर की हेजमनी है वो खत्म हो जाती है और मुख्तलिफ पावर्स होती हैं तो एक तरह से वो बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। लेकिन ये है कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होती है तो हम जैसे ममालिक जो छोटे हैं या उस तरह के ताकतवर ममालिक नहीं है, फिर उनको किसी एक ब्लॉक में शामिल होना होना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और फिर जो दूसरा ब्लॉक है फिर वो साजिशें शुरू कर देता है। मेरा ख्याल है कि जब से 2013 में ये शी जिनपिंग ने ये CPAC या BRI लॉन्च किया था, उसके बाद से जो है वो सिचुएशन जो है वो अमेरिका वर्सेस चाइना बन गई है। BRI मैं समझता हूँ ये इस टाइम जो है हिस्ट्री की, या आप हिस्ट्री तो ना कहें, इस 21वीं सदी की जो है ना वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। आप ये देखें कि ये इसमें सिर्फ एक बेल्ट नहीं है, ये बेसिकली BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहलाते हैं। इससे पहले ये ओबोर का भी इसे नाम दिया गया था। इसमें बहुत सारे रूट्स हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूट है जो बीजिंग और शंघाई वाली साइड से निकल के काशगर पे आता है, फिर ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में आके फिर ये गवादर पोर्ट के थ्रू अरेबियन सी तक जो है वो चाइना को एक रास्ता देता है। लेकिन अगर इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है तो फिर ये सेंट्रल एशिया तक चाइना को जो है वो डायरेक्ट, आपको पता है, लैंड रूट भी दे सकता है। और इसे चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर का नाम दिया है चाइना ने, क्योंकि ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों को चाइना से मिलाएगा। फिर ये दूसरी साइड से अगर आप देखें तो ये मंगोलिया वाली साइड से जो है वो रशिया को चाइना से कनेक्ट कर देता है, और इसे चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। फिर ये जो न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज है, आपको पता है कि वो बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, तो ये वहां से भी चाइना को लिंक करता है। तो ये बहुत सारे बेल्ट्स हैं जिनको चाइना जो है वो बनाना चाह रहा है, और ये तकरीबन भी आप देख रहे हैं अभी तक ये $250 बिलियन जो है वो किसी ना किसी तरह इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 40 से 50 $40 to $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में हुई है। और ये तकरीबन तकरीबन भी अगर ये पूरी तरह फंक्शनल होता है तो तकरीबन $800 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट जो है अभी कहीं पे हुई है। और मुझे याद है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया था, जब ये यूरोप और जापान बिल्कुल तबाह हो गए थे, तो आपको याद है जो उनके जॉर्ज सी मार्शल थे वो उस वक्त सेक्रेटरी थे, उन्होंने मार्शल प्लान दिया था, वो तकरीबन $13 बिलियन का था, जो अगर आप उसे इन्फ्लेशन से, डॉलर की इन्फ्लेशन से आज एडजस्ट करें तो तकरीबन $114 बिलियन बनता है वो। यानी वो देखें, वो पूरा यूरोप को उन्होंने रिवाइव करने का प्लान था, वो भी इतना बड़ा नहीं था। फिर जापान को उन्होंने तकरीबन $18 बिलियन दिए थे। तो ये आप खुद अंदाजा कर लें कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से रीजन को चेंज कर सकता है। अब मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है ना वो अभी तक उस माइंडसेट से नहीं निकले कि वो समझते हैं कि वो पूरी दुनिया के अभी भी ठेकेदार हैं। तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी उनका जो राइवल है वो कोई इस तरह का प्रोजेक्ट दे रहा है तो वो उसके कोई मुतबादिक प्रोजेक्ट लेके आए। ये जो मार्शल प्लान का मैंने जिक्र किया, ये भी जब रशिया ने या सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में डेवलपमेंट शुरू की थी, तो उन्होंने फिर कहा कि हमें वेस्टर्न यूरोप में करनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मार्शल प्लान दिया था। इसी तरह ये B3W ले आए हैं, मतलब उसका भी एब्रिविएशन मैं भूल गया, बेटर ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड, मेरे ख्याल में उसका वो बनता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक उन्होंने उसका कोई ना रोड मैप दिया है, ना उन्होंने कोई उसकी अभी तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि वो किस किस्म का होगा, लेकिन वो बात कर रहे हैं CPAC के खिलाफ। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम CPAC जो है वो, उसकी अहमियत आप देख लें कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल ग्रुप्स आपको नजर आएंगे वो सब इसके हक में है, बल्कि वो तो क्रेडिट लेते हैं। और इतना बड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस या सियासी इत्तेफाक राय अभी तक, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो था वो सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हुआ था, कि जितने भी आपको ग्रुप्स नजर आते थे जो पाकिस्तान में थे वो सारे कहते थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए और ये हमारा क्रेडिट है। और अब ये CPAC में ये बात आपको नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अमेरिकन जो है वो, उन्होंने पूरा प्रेशर डाल के देख लिया, उन्होंने पिछली गवर्नमेंट पे भी पूरा प्रेशर डाला, उन्होंने इस गवर्नमेंट पे भी पूरा प्रेशर डाला, उनका एस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर है, फिर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास करके
खबरें निकल रही कि शायद सीपैक बंद हो गया है या इस गवर्नमेंट ने शायद जो है वो मैप्स कोई दे दिए जो चाइना को पसंद नहीं आए, फिर मुसलसल इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि शायद चाइना पाकिस्तान से नाराज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें कि सीपैक जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने के करीब है। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है वो अब उनको थोड़ा सा ना अपनी स्ट्रेटेजी अब ये जब से निकले हैं यहाँ से उसके बाद से चेंज करनी पड़ेगी। आप ये देखें कि ये जहां जाते हैं अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं, चाहे वो यूएन में इन्होंने बनाया हुआ है हर जगह को चार पांच सुपर पावर्स या बड़ी ताकतों को इकट्ठा करके G7 कंट्रीज के किसकी मिसाल है बेसिकली ये जो B3W प्रोजेक्ट लाए हैं ये भी G7 कंट्रीज का है और इसमें इटली फ्रांस जापान यूके है और कनाडा है और अमेरिका है। इसमें आप ये देखें कि इसमें रशिया भी इसका पार्ट था और ये G8 कंट्रीज कहलाया करते थे, लेकिन जब क्रीमिया का वाकया हुआ तो उन्होंने रशिया को इससे बाहर कर दिया और सारा अपना जो है वो एक ब्लॉक बना लिया। तो अब ये जो है पूरी जो इस टाइम मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में अब इनका पूरा फोकस ये है कि किसी तरह सीपैक जो है वहां तक ना पहुंचे और चाइना को जो है वो थ्रू वाखान या थ्रू अफगानिस्तान के लैंड रूट सेंट्रल एशिया तक जो है उनकी एक्सेस ना हो और उसके जरिए वो उसके लिए वो जो है वो सारी ये इस टाइम जो है मुदाखलत जारी है। और मुझे ईरान की वाकई समझ नहीं आती कि एक तरफ वो कहते हैं मर्ग शैतान बुजुर्ग अस्त अमेरिका को, फिर एक तरफ वो सेंटकॉम को टेररिस्ट भी कहते हैं, फिर एक वो मर्ग भर अमरीका के नारे भी लगाते हैं और दूसरी तरफ आप इस में उनका जैसे नहीं ने कहा कि गैर दानिस्ता तौर पर शायद उनका उनका शिकार बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। वह यहाँ से मैं अब नईम आपकी तरफ आऊंगा कि एक इंट्रोडक्शन दे दिया उबोर का BRI का। अफगानिस्तान से उबोर के रूट्स निकलते हैं और अगर आइडियली देखा जाए जो कि एक बात हो रही थी और आई डोंट नो फिर ईरान ने एकदम सरप्राइज सबको दिया है कि चाबहार ग्वादर को कॉम्प्लीमेंट करेगी, दोनों बोझ उठाएंगी, यानी कि सेंट्रल एशिया की तरफ एक रूट यहाँ से निकल रहा है और पाकिस्तान से भी जो सेंट्रल एशिया का रूट जाना है वो इधर से ही जाना है और उसके अलावा वाखान की अभी बात की, वाखान बहुत अभी महंगा सौदा है क्योंकि जो वाखी कॉरिडोर बनाई है उसके बाद वाखान की ट्रेन के ऊपर बनाना वो मुश्किल है, इस वजह से ताजिकिस्तान से ही KKH को चाइना के अंदर एंटर होगी और KKH को जो है वो हिट करेगी। तो आप अफगानिस्तान के आने वाले फ्यूचर में, तालिबान ने कहा वो सीपैक में आना चाहते हैं और जब इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है BRI का अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता है तो आप अफगानिस्तान की इकॉनमी पर क्या असर देखते हो इसका? सर अफगानिस्तान का दाखला जो है सीपैक में वो सिर्फ एक ही रूट है, वो काबुल से पेशावर तक है, उसी रूट के तहत ही अफगानिस्तान सीपैक का हिस्सा बन सकता है और BRI का हिस्सा बन सकता है, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ग्वादर और कराची बंदरगाह से वो ऑलरेडी अटैच हैं, यहाँ से कंधार को जाती है जो भी एक्सपोर्ट और वहाँ से अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों में अगर जा रही है तो पाकिस्तान के साथ बंदरगाहों के साथ ऑलरेडी अटैच है, चाइना के साथ अटैच होने के लिए उसको पेशावर और फिर KKH के साथ लिंक किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं एक और चीज़ की तरफ आपको मतलब एक तो ये हमारा BRI का एक यहाँ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, दूसरा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जिसकी नेक्स्ट वीक इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में मतलब एक मैं आपको कुछ चीज़ें गिनाना चाहूँगा कि एक ब्रिक्स का इजलास हो रहा है इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक शंघाई कॉरपोरेशन का हो रहा है, उससे नेक्स्ट वीक क्वाड का एक इजलास हो रहा है और ट्रॉयका के लिए एक दोबारा रशिया ने एक एक ऑप्शन दी है, एक सजेशन दी है कि ट्रॉयका बंद हो। चंद टेक्निकल वजूहात की वजह से नईम से हमारा रास्ता टूट गया है। मंसूर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा कि अफगानिस्तान के अंदर सीपैक और उबोर आ जाती है तो कितना तरक्की और बूस्ट मिलेगी अफगान इकॉनमी को और रीजनल इकॉनमीज को इस रूट के खुलने से? बिलाल साहब देखें जो सीपैक है ना वो या आप इसे BRI कह लें वो जो है ग्लोबलाइजेशन का इस टाइम जो है ना वो परफेक्ट नमूना आपको नजर आता है और इस टाइम जो भी पावर्स हैं वो अगर सीपैक या BRI की मुखालफत कर रही हैं वो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूव की तरफ जा रही हैं और वो इस दुनिया इस वक्त इस दुनिया जितनी आगे निकल रही है वो चल नहीं सकता। वो मैंने पिछले भी पहले भी किसी शो में आपके जो है वो थॉमस फ्रेडमैन की किताब दिस फ्लैट का हवाला दिया था, उस किताब में थॉमस फ्रेडमैन लिखता है कि अमेरिकन जो है वो हमेशा से जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट रहे हैं और वो ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन जब ये ट्रेड शेड की बात शुरू हुई थी पूरी दुनिया में 21वीं सदी में उस वक्त भी अमेरिकन ने जो था बहुत लेट अपने कंपेटिटर्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया था।
अब आप ये देखें कि जब ये सी पैक एंटर हो जाता है अफगानिस्तान में और ये लिंक करता है जाके सेंट्रल एशिया तक, तो आप जहां जहां ये रूट्स जाएंगे वहां वहां आपको पता है कि जहां जहां ये रोड जाती है वहां वहां फिर नए शहर भी आबाद होते हैं, वहां पे फिर पेट्रोल पंप्स खुलते हैं, वहां से वहां पे शॉप्स खुलती हैं, वहां प्लाजास बनते हैं। एक तो जो आम अफगान की जिंदगी है वो बहुत ज्यादा उससे प्रॉस्पर होगी, और जिस शिद्दत पसंदी की हम बात करते हैं या जिस उसकी ये बात करते हैं वो जाहिर है जब आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है तो वो उस तरफ जाता नहीं है। फिर दूसरा ये कि जब अफगानिस्तान प्रॉस्पर होगा तो वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज और जो एजुकेशन फैसिलिटीज है वो उसको बेहतर करने के काबिल होंगे, और जब वहां पे यूनिवर्सिटीज बनेंगी वहां पे यकीनन फिर आना जाना होगा सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, फिर वहां से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियंस जो है उसके उस रास्ते से अगर पाकिस्तान भी आते हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की रीजनल इंटीग्रेशन होगी कि वीजा यकीनन वीजा एग्रीमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, आना जाना एक दूसरे के मुल्क में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि यही चीज अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही, और एतराजात वो ये जो सी पैक पे कर रहे हैं वो बहुत ही अजीब किस्म की है। तो ये कहते हैं कि ये छोटे ममालिक को कर्जों के बोझ तले कर देंगे, कि आप अंदाजा करें कि वो मुल्क जिसने IMF के थ्रू हर छोटे मुल्क को अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है वो ये कह रहे हैं कि ये चाइना जो है वो सी पैक के थ्रू छोटे ममालिक को कर्जों के बोझ तले वो कर देगा। फिर वो कहते हैं जियो पोलिटिकल रसूख चाइना का काम हो जाएगा। तो ये तो देखें फिर एक कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, तो आप अगर चाइना अपना जियो पोलिटिकल रसूख अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहा है तो आप फिर उसका मुकाबला उसी तरह करें, बजाय इसके कि आप जो है वो एक इकोनॉमिक इतना बड़ा एक बूस्ट होने जा रहा है इस रीजन में तो आप इस तरीके से उसको खराब करें। अब मेरा ख्याल है कि जो इस टाइम जो दो ताकतें रह गई हैं इस टाइम अमेरिका और क्योंकि जब ये मेरा ख्याल है जब ईस्टर्न यूरोप तक जाएगा और ये बाल्कन स्टेट तक जाएगा सी पैक तो यकीनन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो इसमें शामिल होना पसंद करेंगे, लेकिन ये खैर अभी बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये जब शुरू हो जाएगा तो फिर ये है कि जब एक इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हो जाता है तो फिर वो आगे जाके बहुत ज्यादा तेजी पकड़ लेता है। और अब इस टाइम इंडिया एक वाहिद वो मेरे ख्याल में मुल्क रह गया, मुझे उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों अभी तक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से इस मतलब इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। असल में इंडिया जिस इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे शिकार है ना, आप देखो जहाँ पे हमारी फोर्सेज होती हैं जिन एक्सरसाइजेज में जाती हैं वहाँ पे इंडियन फौजी आने से इनकार कर देते हैं, और एक वो खौफ और वो जो है ना उसका एक एलिमेंट है। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया है। अफगानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है इंशाल्लाह, BRI मंसूबा शुरू होता है तो अफगान भी एक मजबूती की तरफ जाएंगे और एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो पिछले 80-90 सालों से कश्मीरियों के हकूक जो है ना वो क्या, आपके ख्याल में तालिबान की विक्ट्री से क्या मोराल बूस्ट मिलेगा कश्मीरियों को, और कश्मीर को कब तक हिंदुस्तानी जो है अपने दहशतगर्द फौज पुलिस और इंटेलिजेंस के थ्रू जो है कर सकेंगे? अभी जिस तरीके से सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो हमने देखा कि इन्होंने उनके औलाद उनके बेटे के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के तहत मुकदमा कर दिया, क्या इस जुल्म का कोई एंड है? और क्या जो BRI एक ऑर्डर लेके आ रही है उसके अंदर हिंदुस्तान जैसे एक दहशतगर्द मुल्क की दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश आपको नज़र आती है? बिल्कुल बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी, और एक ना एक दिन इन्हें यकीनन कश्मीर से निकलना पड़ेगा। आप ये देखें कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लेंगे, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसने जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे किसी को ऑक्यूपाइज लंबे अरसे तक रखा हो। आप ये देख लें कि जब बरतानिया यहाँ पे आया था तो एक वक्त था कि उनकी पूरी दुनिया में सूरज उनका कहते थे कि उनकी सल्तनत में गरूब नहीं होता, और कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था जब 1857 की जंग आजादी नाकाम हो गई थी जिसे वो कदर कहते हैं, तो उसके बाद World War II हुई वो कमजोर हो गए, तो ये तस्वुर नहीं था कि शायद ये दोनों ममालिक फिर पाकिस्तान बनने का कोई तस्वुर नहीं था उस वक्त। लेकिन जब एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है तो वो किसी ना किसी मंदगी अंजाम तक जरूर पहुंचती है, और मेरा ख्याल है कि यकीनन अफगानिस्तान की जो तालिबान की विक्ट्री है उससे कश्मीरियों का मोरल बूस्टर तो होगा, और आपस में इनका हम सबको पता है कि कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, लेकिन जो जब एक इस्लामी कुव्वत वहां पे मौजूद होगी तो वो अगर मिलिटरी ना भी सही तो वो अगर डिप्लोमेटिकली भी हमारी तरह आवाज उठाती है तो एक बहुत बड़ा एडिशन हो जाएगा कश्मीर की जो फेवर में उठने वाली आवाजें हैं। और आप ये देखें कि अभी मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में ऐड करना चाह रहा था कि आज कुछ खबर चल रही थी आज या कल की, कुछ खवातीन ने शायद काबुल में मुजाहरा किया और जो जर्नलिस्ट उनकी शायद वीडियो बना रहा था उस पर तालिबान ने तशद्दुद किया, मुझे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि वो वाकई तालिबान की तरफ से किया गया या कुछ लोगों ने तालिबान का भेस बदल के किया, लेकिन आज ही या कल ही के दिन कश्मीर के अंदर 4 साथियों के घरों पर भारतीय फौज ने छापा मारा, उनके घर वालों को हरास किया गया,
और उनको थाने बुलाकर उनसे तफ्तीश की गई। और ये खबर जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपी है और वहां पे पूरे कश्मीर में इस टाइम जर्नलिस्ट जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उसे 2 मिनट बात करें तो आपको पता चलता है कि कश्मीर में सूरत हाल क्या है। लेकिन मुझे अपने लिबरल तबके से भी ये बात बहुत मतलब अफसोस का इजहार करना पड़ता है हमें कि उस पूरी तस्वीर को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे तालिबान ने कोई बहुत बड़ा कोई क्रैकडाउन कर दिया साफियों के ऊपर, लेकिन इस तस्वीर ये जो हुआ है कश्मीर में जो 4 साफियों के घरों पर जो इंडियन फोर्सेज ने किया है उसकी कोई खबर मुझे नजर नहीं आई, ना पाकिस्तानी मीडिया पर नजर आई। और ये खबर मैंने जाके वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ी है और शायद एक आध इंडियन शायद मीडिया ग्रुप ने इसको उठाया है। तो ये जो है मेरे ख्याल में हमें जो है थोड़ा सा पाकिस्तान को भी थोड़ा सा जो है मजीद वाइब्रेंट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं जैसे जैसे कह दूँ अभी नहीं बता रहा था कि G7 का जो था, तो मैं एक आपको खबर ब्रेक करता चलूँ कि इटली भी BRI का हिस्सा है, जापान भी BRI का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया भी BRI का हिस्सा है। और मुझे ये समझ नहीं आई कि ये BRI का हिस्सा रह के कैसे B3W के अंदर आएंगे या क्या होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तो फिर गया। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मंसूर ने इशारा किया था, मैं उसको एक दफ़ा दोबारा वाजे करते चलूँ कि एक तरफ ताकत पैसे के जरिए अपना ऑर्डर कायम करने का तरीका है, दूसरी तरफ एक चाइना है जिसके ऊपर आप उसके निज़ाम पर हर किस्म का एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो दुनिया को साथ लेके चल रहा है। इसी वजह से उसके इन्फ्लुएंस में इजाफा हो रहा है, उसके बड़े दुश्मन जिनमें जापान शामिल है, जिसके अंदर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है, वो भी चाइनीज़ BRI का हिस्सा बन गई है, चाइनीज़ का ज़र्फ है। और ये निज़ाम जिस तरीके से लोगों को एक जो है वो लड़ी में परो रहा है, उसके अंदर यकीनन कोऑपरेशन के लिए तो बहुत स्पेस है, लेकिन ये जिस तरह का जुल्म व सितम हम कश्मीर में देख रहे हैं उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को और मंसूर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।